कई संवेदकों का घर का चूल्हा बंद हो चुका है। जब संवेदकों के घर का चूल्हा बंद हो जाएगा तो उसके साथ कार्य करने कर्मचारी का क्या होगा? का बुरा हाल होगा। इसलिए नमस्कार, आप न्यूज 19 देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मुकेश सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अति महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क सड़क योजना, जिसे हम MMGSY कहते हैं। इसके तहत यह लक्ष्य निर्धारित किया गया कि सभी गांवों को NH और SH से जोड़ा जाएगा। मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की क्या भौतिक स्थिति है, ये मैं लगातार आपको अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाता रहा हूँ। लेकिन इस बीच अखबारों में ये पढ़ने को मिला कि बिहार संवेदक संघ के प्रवक्ता ने ये बयान जारी किया और उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राशि आवंटित करवाई जाए। तो आखिर उन्होंने ये पत्र क्यों लिखा, इस बात को जानने के लिए आज हम बिहार संवेदक संघ के प्रवक्ता आलोक राजी से मिलने आए। आपने एक पत्र लिखा, क्या वाकई ये आवंटन नहीं है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत? सबसे पहले मैं न्यूज 19 को यह धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने संवेदकों की पीड़ा को समझने का काम किया और यहाँ आने का काम किया। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है, एक ग्रामीणों को मुख्य सड़क से जोड़ने की योजना। एक तो संवेदक हर समय सरकार के अंग के रूप में काम करती है और संवेदक सरकार के हर एक सुख दुख में कंधे पे कंधे मिलाकर चलने का काम करती है। आज संवेदक कोरोना महामारी से ऊपर उठ भी नहीं पाए थे क्योंकि कोरोना महामारी के कारण संवेदकों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी और कोरोना महामारी के काल में संवेदकों का कार्य लगभग ठप हो चुका है। इससे पूर्व भी मैंने सरकार से आग्रह करता आ रहा हूं कि कोरोना महामारी के कारण जितनी भी योजना है उसमें एक साथ एक वर्ष की समय अवधि विस्तार दी जाए। मेरे द्वारा बार बार मांग किया जा रहा था, उस आलोक में बिहार सरकार ने अभी तक 90 दिनों की समय अवधि देने का प्रावधान किया है, लेकिन मेरी मांग एक वर्ष की है। फिर मैं पुनः आपको याद दिला दूं, यह MMGSY योजना तो पहले लोग उससे परेशान थे ही, लेकिन MMGSY योजना में पिछले वर्ष से आवंटन की उपलब्धता कम होती चली गई और आवंटन की जो डिमांड की जाती है MMGSY में, वो कराए हुए कार्य का विपत्र पहले बनकर जाता है तब आवंटन प्राप्त होती है। लेकिन पिछले कई माह से, लगभग 6 माह से आवंटन लगभग नहीं प्राप्त हुआ है। इसमें क्या हुआ, पिछले कुछ मंथ में एक आवंटन प्राप्त हुआ 6th महीना में, वो आवंटन जितने का आवंटन की राशि गई थी उसकी 18% मात्र 18%, अगर किसी संवेदकों का कार्य किया हुआ 1 करोड़ का था तो उसे 18 लाख रुपये का आवंटन दिया गया। अब आप ही बताइए कि जब संवेदकों को आवंटन नहीं प्राप्त होगा बिहार सरकार के द्वारा तो किस तरह संवेदक काम करेंगे, जिसके कारण क्या हो रहा गया है पूरे बिहार में। ये पदाधिकारी लोग कुछ भी विकास के दावे कर लें, लेकिन MMGSY योजना धरातल पर शिथिल हो गई, कहीं भी कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि संवेदकों की राशि फंस चुकी है। संवेदक जो है, पैसे नहीं मिलने के कारण संवेदकों के, कई संवेदकों के घर का चूल्हा तक बंद हो चुका है। संवेदकों के चूल्हा बंद होने का मतलब होता है कि उनके अधीनस्थ कार्य करने वाले, जो जिनका परिवार का जीवन यापन ही संवेदकों के साथ जुड़ा हुआ है, जो संवेदक के कर्मचारी हैं, संवेदक के कर्म, उनका भी चूल्हा बंद हो जाना। इसीलिए मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया हूँ पत्र लिखकर, चूंकि इसमें ग्रामीण कार्य विभाग को वित्त विभाग से ही आवंटन नहीं आ रही है। मामला ये है कि ग्रामीण कार्य विभाग को वित्त विभाग के द्वारा MMGSY योजना की 3 योजना, मुख्यमंत्री, ST, SC और जनरल, तीनों योजना की यही हसर है। मैं इसी में मुख्यमंत्री से आग्रह किया हूँ
कि वो अपने स्तर से पहल कर कर वित्त विभाग से ग्रामीण कार्य विभाग को मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में आमंत्रण दिलाने का काम करें, जिससे कि जब ग्रामीण कार्य विभाग को आमंत्रण प्राप्त हो जाएगी तो ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा जो है सभी कार्य प्रमंडल को आमंत्रण जारी कर दिया जाएगा और तब ही विकास की गति नजर आएगी। नहीं तो विकास की गति आज तो 90% तक बंद हो चुकी है, आने वाले भविष्य में यह पूर्णतः बंद हो जाएगी। अच्छा, एक बात, आपको क्या पूर्णिया जिले में ही इस तरह की परेशानी है या फिर पूरे बिहार में? संपूर्ण बिहार में, क्योंकि अलॉटमेंट जो जारी होती है वो संपूर्ण बिहार के आधार पर होती है। MMGSY योजना में संपूर्ण बिहार में यही स्थिति है। सुनते जाइए आप लोग, ये उस जिले की बात है, उस और उस प्रदेश की बात की जा रही है अभी, जिस प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि हमने सड़कों का जाल बिछाया है और किस तरीके से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और उस सड़क को बनाने में विभाग, जो ग्रामीण कार्य विभाग है, उनको जो परेशानी हो रही होगी ये आप समझ रहे होंगे, लेकिन संवेदकों को क्या परेशानी हो रही है इस बात को जानने के लिए आज हम आलोक राज जी से मिलने आए कि उन्होंने जो अपना दुख व्यक्त किया है वो हम जानने के लिए आए हैं। और क्या क्या परेशानी हो रही होगी इस बीच संवेदकों को? नहीं नहीं, संवेदकों को जो 18% राशि विभाग के द्वारा निरस्त किया गया, आप देखिए संवेदक बिहार में कोई उद्योग नहीं है और रोजगार के रूप में संवेदक एक रोजगार का आधार बन गया। बेरोजगार लोग अपने रोजगार प्राप्ति के लिए बिहार गवर्नमेंट में अलग अलग विभाग में अपना निबंधन कराते हैं और बेरोजगारी दूर करने के लिए काम करने आते हैं। इसमें आपको बहुत बड़े उद्योगपति नहीं मिलेंगे। बहुत बड़े उद्योगपति जो हैं, जो बहुत बड़े संवेदक हैं, वो बड़े बड़े काम करते हैं। 100, 200, 300, 400, 500 करोड़ का जो प्रोजेक्ट आती है बिहार में, उसमें बाहर से आके बड़े बड़े उद्योगपति काम करते हैं। ये जो है करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ का जो काम निकलती है मुख्यमंत्री सड़क योजना में, ये काम छोटे संवेदक करते हैं जिनको कोई रोजगार नहीं है। वो रोजगार और रोजी रोटी के तलाश में इस काम करने को जाते हैं। अब जो व्यक्ति रोजी रोटी के तलाश में यह काम करने जाए, उसके काम करने के 6 महीने बाद भी आवंटन प्राप्त नहीं हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी न किसी से उधार लेकर काम करते हैं, रोजगार करते हैं, क्योंकि इसमें जो भी सामग्री आती है किसी न किसी व्यक्ति, क्योंकि छोटे संवेदक इसमें ज़्यादातर हैं, वो उधार लेकर काम करते हैं। जब 18% रिलीज हुआ तो लोगों में एक मैसेज गया कि चलो 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 आवंटन आ गया। ये संवेदकों के लिए और सिरदर्द बन गया। ये 18%, 20%, 25% जो आवंटन देती है सरकार, तो ये संवेदकों के लिए सिरदर्द देती है, क्योंकि दो, एक तो पहले से वो अपनी पूंजी मार लगाए बैठे हैं, वो अपने मानसिक तनाव में गुजरते हैं संवेदक। दूसरा, जिनकी राशि बंकी होती है वो भी मानसिक तनाव देना शुरू कर देते हैं। देखिए सरकार दो तरह से टॉर्चर करवाती है, एक तो आवंटन कम देती है तो सर स्वतः संवेदक टॉर्चर होते हैं, और दूसरा आवंटन जारी होने के नाम पर उनको तगादा शुरू हो जाता है। तो हमने यही सरकार से डिमांड कर मुख्यमंत्री, जैसे ही वो जो सप्लायर सब होते हैं उनसे जो उनको मालूम हो जाता है कि अब आवंटन आ गया है, जो तगादा करना, और लोगों में एक भ्रम हो जाती है कि फलाना संवेदक हमको पैसा देना नहीं चाहता। क्योंकि देखिए सच्चाई बहुत लोग नहीं जानते, और जिसके कारण आज जो अगर बिहार सरकार ने इस पर जल्द फैसला नहीं लिया, और माननीय मुख्यमंत्री से मैंने आग्रह किया, और फिर मैं आपके चैनल से आग्रह करता हूं कि बिहार में कोई उद्योगपति के बेटे आपके मुख्यमंत्री के काम नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम वही लोग करते हैं जिनको अपनी रोजगार है, जिनको दूसरा धंधा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनना चाहे, तो इन्होंने रोजगार के स्वरूप में संवेदक नियमावली को लागू किया और बहुत शिथिल किया। पहले कार्य लेना बहुत कठिन था, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस योजना को शिथिल कर छोटे छोटे संवेदकों की एंट्री कराई रोजगार के रूप में। लेकिन आज अगर उस छोटे संवेदकों को समय पर राशि नहीं मिल पाएगी तो उनके साथ दो ही विकल्प हैं, वो करे सो करे क्या, आज रोजी रोटी के लिए मुहताज हैं। हम तो पहले भी आपको बोले मुकेश जी, कई संवेदकों का घर का चूल्हा बंद हो चुका है। जब संवेदकों के घर का चूल्हा बंद हो जाएगा तो उसके साथ कार्य करने कर्मचारी का क्या होगा? इसलिए
मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल से मैं पुनः आग्रह करता हूँ कि आप बिहार के नौजवानों के हित में सोचते हुए वित्त विभाग से ग्रामीण कार्य विभाग को MMGSY में आवंटन दिलाइए, जिससे कि बिहार के नौजवान जो रोजगार के रूप में संवेदक पेशा को अपनाए हैं उनकी भला हो सके और उनका परिवार चल सके। चलिए अब हम एक बार कोशिश करते हैं। ग्रामीण कार्य विभाग के जो कार्यपालक अभियंता हैं और मेरे पास नंबर है धमधा डिवीजन का, तो मैं कोशिश करता हूँ उनसे बात करने की कि वाकई जो आलोक जी मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिए हैं और आग्रह किए हैं, क्या ये वाकई इस तरह की परेशानियां है? चलिए वो नहीं, फोन रिसीव नहीं किए, मैं एक बार फिर लगाता हूँ। और मैं बार बार इसलिए फोन लगा रहा हूँ क्योंकि ये समय परेशानी बार बार उत्पन्न होती है। इनको जब भी फोन लगाया जाता है तब ये या तो फोन रिसीव नहीं करते हैं, ये बिजी कर देते हैं, या फिर वेटिंग में रहता है, वो फोन पिक नहीं करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को ये दिखाना भी चाह रहा हूँ कि क्या वाकई ये इस तरह की होती है। चलिए मैंने दो बार ट्राई किया लेकिन धमधा के कार्यपालक अभियंता उन्होंने अपना फ़ोन रिसीव नहीं किया। लेकिन अभी जो आलोक राज जी से बातचीत हो रही थी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बात सामने निकल के आई कि जो युवा बेरोजगार हैं वही युवा रोजगार की तलाश में संवेदक बनते हैं, और उस बेरोजगार युवा को जब एक छोटा सा रोजगार मिला संवेदक के रूप में तो आज उस युवा को किस तरीके की परेशानी झेलनी पड़ रही है वो आलोक जी आपको बता रहे थे। और इन्हीं समस्याओं को आलोक जी ने मुख्यमंत्री तक पहुंचाया है कि आप वित्त विभाग से आवंटन करवाइए और संवेदक को थोड़ी सी राहत मिल जाएगी उससे, और उनका घर का खर्चा चलेगा, उनका रोजी रोटी चलेगा, जो उनका चूल्हा बंद हो गया है, और उनके साथ काम करने वाले कर्मचारियों का भी जो चूल्हा बंद हो गया है वो चूल्हा फिर से जलना शुरू हो जाए, क्योंकि अब सभी विद्यालय खुल चुके हैं, सभी संस्थान खुल चुकी है। वो ऐसी स्थिति में जब बच्चे विद्यालय जाएंगे, कोरोना काल में भी विद्यालय का शुल्क जमा देना होता है, और आप समझिए कि जब विद्यालय खुल चुकी है उस परिस्थिति में जब उस संवेदक का और संवेदक के साथ काम करने वाले कर्मचारी का बच्चा जब विद्यालय जाएगा और उस विद्यालय के शिक्षक और विद्यालय प्रबंधन द्वारा जब शुल्क मांगा जाएगा तो वह शुल्क कहाँ से देगा, क्योंकि वह तो पहले से बेरोजगार थे और आज वो फिर से बेरोजगार हो चुके हैं। और इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री क्या उपाय करते हैं, क्या आलोक राज के पत्र पर कोई संज्ञान लेते हैं, ये भविष्य के गर्त में है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मृदुल जी हैं, मैं मुकेश सिंह अब आपसे इजाज़त चाहता हूं, और इस वादे के साथ कि मैं फिर एक नया मुद्दा लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा, इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो अवश्य कर लीजिए, ताकि हर छिपी और दबी हुई खबरें मैं आपको आसानी से पहुंचा पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद।